परम साई भक्त कैलाशवासी तात्याजी गणपतराव कोते पाटिल इनकी 79 पुण्यतिथि 16 मंगलवार तारीख 12/3/2024 के दिन शिरडी के पावन धाम में संपन्न हुआ। इस पुण्यतिथि अवसर पर साई भक्त तात्याजी कोते पाटिल इनके समाधि की विधिवत पूजा अर्चना साई मंदिर के पुजारी द्वारा की गई। पश्चात सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हाभप अखड़ के महाराज इनका कीर्तन कार्यक्रम हुआ। कीर्तन कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस पुण्यतिथि में साई भक्त तात्याजी कोते पाटिल परिवार के आज के सभी वंशज शिरडी ग्रामस्थ साई भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कार्यक्रम संपन्न हुआ। आईनं म्हणावं आणि पोरानं जेवायला नाही यावा असं होईल का? बाकीचे म्हणायचे माझ्याकडे येणार नाहीत, याचा अर्थ कळला का? याला एक लय अभंग आहे गोड, सर्व गटी राम देहा देही साई राम। आज शिरडी में साई बाबा के मंदिर कैंपस में तात्या पाटिल कोते की बहुत बड़ी पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आज तात्या पाटिल कोते की 79वीं पुण्यतिथि मना रहे हम तात्या पाटिल कोते के सब वंशज कोते पाटिल फैमिली आज यहाँ सब मौजूद है। अभी 5 मिनट पहले साई बाबा तात्या पाटिल पुण्यतिथि के कारण समाधि का पूजन किया, उसके बाद में एक कीर्तन सत्संग का प्रोग्राम होगा। सत्संग के प्रोग्राम के बाद प्रसाद बांटा जाएगा। तात्या पाटिल कोते की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है वो पहले हमारे दादाजी मनाते थे, फिर उसके बाद में हमारे पिताजी वो लोग मनाते थे। अभी हम लोग तात्या पाटिल के पोते हैं और वो सब मिल के हम लोग अभी ये पुण्यतिथि मना रहे हैं। तात्या बाबा की जो डेट हुई थी वो डेट की तारीख भी बहुत बढ़िया है, 1, 2, 3, 4 बोले तो 1, 2, 3, 4, 5 बोले तो 12 तारीख मार्च महीना और 1945 बोले तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होता है। देखो ये भाग्य का दिन है हमारे कोते फैमिली के लिए और ये हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे, आगे भी बहुत बड़े धूमधाम से मनाते जाएंगे और साई बाबा संस्थान का भी ये प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान होता है। ओम साई राम। आज श्री सदगुरु साई बाबा के असीम भक्त कैलाशवासी तात्या पाटिल कोते इनकी 79वीं पुण्यतिथि आज हम यहाँ शाजरी कर रहे हैं। हम सब कोते परिवार जो सालों से यानी आज 19वीं है तो सालों से सदगुरु साई बाबा के कृपा आशीर्वाद से ये कैलाशवासी तात्या पाटिल की पुण्यतिथि यहाँ सालों बाद से यहाँ शाजरी कर रहे हैं। वैसे सदगुरु साई बाबा का जिनको लाभ जिनके सेवा का लाभ मिला और सदगुरु साई बाबा ने उनसे निस्वार्थ सेवा ली, ऐसे हमारे तात्याजी पाटिल कोते इनके आज 19वीं जयंती के निमित्त से हम सभी यहाँ के साई भक्तों को बहुत बहुत नमन करते हैं। क्योंकि
साई बाबा के पूरे जीवन चरित्र में कैलाशवासी तात्या पाटिल कोते होंगे या कैलाशवासी बाईजाबाई होंगी, इनका बहुत सारा महत्व है और इनके महत्व के अनुसार हम सब कोते परिवार शिरडी के सब हमारे साई भक्त यहाँ पे आके कैलाशवासी तात्या पाटिल के समाधि में नमन होते हैं। आज कैलाशवासी तात्या पाटिल के समाधि की भी यहाँ से विधिवत पूजा हो गई और ये पूजा के माध्यम से हम यही कहते हैं कि कैलाशवासी बाईजाबाई होंगे या कैलाशवासी तात्या पाटिल होंगे, इनके शुभाशीर्वाद हम सभी कोते परिवार के ऊपर बने रहे। ओम सायराम। दुनिया को देने वाला जिस घर पे जाके झोली फैलाता था वो घर कितना पावन होगा, पवित्र होगा। श्री साई बाबा जब भिक्षा मांगा करते थे उनमें से कुछ घर ऐसे थे वहां बाबा अक्सर जाया करते थे, वो घर किसके थे, आज वो घर की स्थिति में है। यह सभी अनसुनी कहानी यात्रा साई धाम की इस कार्यक्रम में बहुत जल्द आपके सामने लेके आ रहे हैं। शिर्डी गॅझेटियर, श्री साईबाबा आगमन ते समाधी शताब्दी पर्यंत संपूर्ण माहिती। ही काल्पनिक कादंबरी नाही किंवा साईबाबांचे प्रदीर्घ असे चरित्रही नाही। बाबांच्या चमत्कार वगळून श्री साईबाबा शिर्डी आणि साई संस्थान यांचा फारसा प्रकाशित न झालेला, दुर्लक्षित असलेला, विस्मृतीत गेलेला हा इतिहास आहे। श्री साईबाबांबद्दलची दुर्मिळ माहिती अनेक बारकाव्यांनिशी तारखेनिशी यात आलेली आहे। उपलब्ध झालेले संदर्भ पाहून पडताळून हा इतिहास मांडलेला आहे। अभ्यासकांसाठी हा संदर्भ ग्रंथ ठरावा। विशेष म्हणजे साईबाबांच्या जीवनावर असलेले हे पहिलेच मल्टीमीडिया पुस्तक आहे। शिर्डी गॅझेटियर पुस्तक मिळवण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी 9922443408 या मोबाईलवरती संपर्क करावा।